सो हैलो स्टूडेंट्स, अपना जिहड़ा हैगा लैक्चर नंबर 2 ते आ गए जी। आपां एक्सरसाइज 3.1 हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो इहदा तीसरा क्वेश्चन आपां ने करना हैगा है। तो पिछले 2 आपां पहली वीडियो दे विच कर ले हैगे ने तुहाडे कोल। तो कहिंदा ए बैट्समैन स्कोर्ड नंबर ऑफ रनस, ठीक है। कोई बैट्समैन है, तुसीं किताब खोल के बैठे हैं, सो बैट्समैन है कोई, ठीक है जी, जिहड़े ने रन बनाए ने, उहने आ रन बनाए ने तुहाडे कोल, ठीक है, 55। सो ये जरूरी है कि आप किताब खोल के बैठिए, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं मैं लिख रहा थोड़े पास, जोड़ा है मैं सिर्फ पढ़ रहा। आ रकम तो लिख दी, बस पंजाबी नहीं लिखी, ठीक है। एक बैट्समैन ने 6 इनिंग्स के इन्ने स्कोर किए थोड़े पास, तो आप मीन कटनी है। सो मीन की करनी है, मीन है ना, तो मीन करने लिए उत्ते अपन सारे का जोड़ चाहिए 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55, नीचे गिनती चाहिए। सो फार्मूला तो आप लिख लिया, ठीक है जी। फार्मूला आप दोबारा दोबारा नहीं लिख रहे, क्योंकि आप फार्मूला लिख चुके हैं। सो जोड़ना है आप 36, फिर 35, फिर 50, फिर 46, फिर 60, फिर 55, ठीक है। सो 6 × 5 = 11, 11 × 6 = 17, 17 × 5 = 22, असल आए 2, 3 × 6 = 2, 8 × 5 = 13, 4 × 17 = 17, 17 × 6 = 23, 28। सो ये थोड़ा जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल बन गया, ठीक है जी। तो ये बन गया तुहाडे कोल 282। सो 282 छे ते भाग हुंदा, 6 × 24, ठीक है जी। सो एक बार आपां इहदा जोड़ दुबारा देख लीए, जिहड़ा हैगा ये आपां रकमां ठीक लिखियां, 36 है, 35 है, 50 है, 46 है, 60 है, 55 है, ठीक है। सो जो आप इन्हों जोड़ते हैं तो डिकॉल, ठीक है, तो 6 × 5 = 11, 11 × 6 = 17, 17 × 5 = 22, तो 3 × 6 = 8 × 5 = 13, 4 × 17 = 17, 17 × 6 = 23, 23 × 5 = 28। तो ठीक है जी। सो 6 × 24 = 4, 2 × 7 = 42। सो ठीक है जी, 47 थोड़ा आंसर आ गया। इन्ने रन उन्हें जोड़े है थोड़े पास, उन्हें क्या कैलकुलेट द मीन रन, सो इन्ने रन जोड़े है वो मीन रन आ गए, ठीक हो गया जी। सो ईजी है जी, बड़े आराम ना तुसी कर पाओगे, कोई एड्डी लंबी चौड़ी गलबात है नहीं कि थोड़े को, ठीक है जी। उस तो बाद जोड़ा है थोड़े को जोड़ा अगला क्वेश्चन हैगा है, की हैगा थोड़े को, ठीक है। सो उस क्वेश्चन भी ध्यान न देखिए, आप पेज बदल लीए जी, एक मिनट, ठीक है। सो जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 की गल करिए तुहाडे कोल, उहदे विच अगे अपने उहदे विच ना 10 टीचर्स का एजिज ऑफ टीचर्स है, ठीक है, एजिज इन ईयरस ऑफ 10 टीचर्स। सो एजिज, एजिज मैंने होंगे उमर, उमर, ठीक है, थोड़ा बड़ा, ठीक है, एजिज ऑफ 10 टीचर्स, एजिज इन ईयरस ऑफ 10 टीचर्स। सो 10 अध्यापकों की उम्र दिती हुई है, तो बाद उन्हें सवाल पूछे हुए हैं। तो पहली हैगी है तुहाडे कोल 32, फिर हैगी 41, फिर हैगी 28, फिर हैगी 54, फिर हैगी 35, फिर हैगी 26, फिर हैगी 23, फिर हैगी 33, फिर हैगी 38, फिर हैगी 40। सो ये चीज़ होगी, तो सो तो पहला जिहड़ा हैगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन पूछा थोड़े को भी ओल्डेस्ट टीचर केड़ा है, ओल्डेस्ट जिहड़ा हैगा ये थोड़े को टीचर जिहदी सब तो वड्डी उम्र है, ते नाल उन्हें पूछा यंगेस्ट, ठीक है जी। ओल्डेस्ट मैंने हुंदा है सब तो वड्डा, ते यंगेस्ट हुंदा सब तो यंग है ना, छोटा सब तो। तो ओल्डेस्ट टीचर की एज कितनी है ते थोड़े को, ते यंगेस्ट की कितनी है, जे तुसी ध्यान नाल देखो 31, 32, 54, 54, 44, सो ये ओल्डेस्ट है, ठीक है। सो 54 ईयर्स है यंगेस्ट, सब तो छोटा, ठीक है। हुण जे यंगेस्ट है तुहाडे कोल छोटा, तुसी देखो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा वट इज़ द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट, ठीक है, एंड दैट ऑफ यंगेस्ट टीचर। सो यंगेस्ट देखना जी थोड़े पास, ठीक है जी। तो हूँ जोड़ा है तो
ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 32 ਹੈ 41 ਹੈ 28 ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ 23 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ 23 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਹੈ 32 41 28 54 ਠੀਕ ਹੈ 35 26 23 ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 23 ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਲੋਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਘਟਾਓ ਸੋ ਰੇਂਜ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ 4 × 3 ਘਟਾ 1 ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ 31 ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੀਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਮਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਜੂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਜੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਕੱਠੀ ਨੀਚੇ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੋ ਉਮਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀਏ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 32 ਲਿਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 41 ਲਿਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 28 ਲਿਖ ਲਈਏ ਰਕਮ 900 ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਿਓ 54 ਲਿਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 35 ਲਿਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 26 ਲਿਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 23 ਲਿਖ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 33 ਲਿਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 38 ਲਿਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 40 ਲਿਖ ਲਈਏ 10 ਆਈਟਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਸੋ ਇਹ 26 ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 26 ਹੈ ਸੋ 2 ਅਤੇ 1 3 8 ਅਤੇ 3 11 15 20 26 29 29 ਅਤੇ 3 32 8 40 ਦੀ ਲੱਗੀ 0 ਹਾਸਲ ਆਏ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਅਤੇ 4 7 4 11 2 13 5 18 3 21 2 23 2 25 3 28 3 31 4 35 ਸੋ 350 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋੜ ਨੀਚੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੋ 35 ਈਅਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਆ ਗਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੁਕਾ ਲਓਗੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ